प्रदेश में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, वो भी पुलिस थाने के अंदर। और लूट कौन रहा है? पुलिस वाले ही। जी हाँ, सही सुना आपने, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से दोस्तों बेहद चौंकाने और दर्दनाक खबर सामने आई है। दरअसल यहाँ पर एक इंस्पेक्टर ने एक महिला की इज्जत लूटी है। दरअसल एक महिला थी, उसकी बेटी 17 साल की थी। उसकी बेटी के साथ कई लोगों ने गैंगरेप किया था। पीड़ित महिला पहुंच गई थाने और वहां पर गुहार लगाने लगी, कहने लगी मेरी 17 साल की बेटी के साथ अज्ञात लोगों ने गैंगरेप किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। इसके बाद फिर क्या हुआ साहब? उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य आ गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बोला, आइए माता जी आइए, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? दरअसल अनूप मौर्य नाम का चौकी इंचार्ज, जो अभी जुलाई के महीने में इंस्पेक्टर बना है, यानी 2 स्टार से 3 स्टार पर आ गया, और उसने उस महिला को अपने घर पर बुलाया। घर पर बुलाने के बाद महिला की इज्जत को लूट लिया, महिला से रेप किया। सोचिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस कदर रामराज्य आ गया है, यहाँ पर जब कोई महिला अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाती है तो उसकी माँ के साथ पुलिस वाले ही रेप करते हैं। इस कदर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। एक काफी चिंताजनक विषय है दोस्तों। लेकिन उत्तर प्रदेश में इकलौता ऐसा मामला नहीं है, ऐसे तमाम मामले सामने आते रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज और जानना चाहिए, यहाँ पर दोनों पक्ष जो है वो हिंदू का है, इसीलिए टीवी मीडिया शांत बैठी हुई है। अगर इसी में से कोई पक्ष मुसलमान होता अब तक टीवी मीडिया बौखला गई होती, टीवी मीडिया के बड़े बड़े एंकर अब तक ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि दिल्ली से कन्नौज की दूरी कुछ ज्यादा नहीं है और जो टीवी मीडिया है वो सारी मीडिया दिल्ली एनसीआर में ही स्थित है, सारे चैनल दिल्ली एनसीआर में है। दोस्तों देखिए, झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में एक अंकिता नाम की लड़की को जिंदा जला दिया गया और आरोप लगा शाहरुख नाम के लड़के ने अंकिता को जिंदा जला दिया पेट्रोल डाल करके। इसके बाद टीवी मीडिया बौखला गई क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान एंगल आ गया। टीवी मीडिया ने कहा, साहब ये तो मामला काफी उछालने वाला है क्योंकि इससे एक पार्टी को फायदा होगा। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश की जो खबर है वो भी दर्दनाक है और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो झारखंड का मामला है वो भी बेहद दर्दनाक है, बेहद चिंताजनक है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब सवाल टीवी मीडिया पर खड़े होते हैं, मीडिया जहां पर हिंदू मुसलमान होता है वहां पर क्यों पहुंच जाते कवर करने के लिए? जहां पर हिंदू मुसलमान का एंगल होता है टीवी मीडिया उस खबर को बहुत ज्यादा तवज्जो देती है। लेकिन मामला जब बीजेपी से जुड़ा हो या जहां पर बीजेपी की सरकार हो और दोनों पक्ष हिंदू हो, वहां पर टीवी मीडिया के मुंह में, गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं उनके मुंह में दही जम जाता है। वे लोग एक शब्द भी नहीं बोल पाते, एक शब्द इसीलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें पता है उनके जो आका है, आका नाराज हो जाएंगे, उनका जो दाना पानी है वो बंद हो जाएगा। अब आप दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, इस व्यक्ति को। इसका नाम है अनूप कुमार मौर्य, एक कन्नौज जिले में तैनात है। जुलाई महीने में इसे प्रमोशन मिला था, 2 स्टार से 3 स्टार मिला था, यानी सब इंस्पेक्टर से इसे इंस्पेक्टर बनाया गया। लेकिन जितना देखने में व्यक्ति मासूम लग रहा है उतना ही ज्यादा दरिंदा है। पुलिस कह रही है, जो कन्नौज के एसपी साहब हैं वे कह रहे हैं कि अनूप कुमार मौर्य को हमने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है, पूरे मामले की कार्रवाई में हम लोग जुट गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में इकलौता मामला हो तो मान लिया जाए। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हर रोज सामने आती हैं जो दिल को दहला देती हैं, जो विचलित कर देती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं, पुलिस वाले ही महिलाओं के साथ अब रेप कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कुछ रिएक्शंस मैं आपको सुनाता हूं पढ़ करके, जिन लोगों ने ट्वीट किया है। अशरफ हुसैन है, इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, कन्नौज रेप पीड़िता की मां को अपने आवास पर बुलाकर
चौकी इंचार्ज ने किया दुष्कर्म। बेटी से दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई के नाम पर मां से रेप को अंजाम देने वाले चौकी इंचार्ज अनूप मौर्य को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दोस्तों देखिए, वही रणविजय सिंह है, इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा है, यूपी के कानपुर देहात में एक महिला बैंक कर्मी बहुत परेशान है। उसने बीजेपी नेता मणि गुप्ता पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। महिला का कहना है कि बीजेपी नेता उसे हर जगह स्टॉक कर रहा है, केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। आज महिला एसपी से मिलने के लिए पहुंची है। तो ही पुनीत कुमार सिंह है, ये लिखते हैं, बीजेपी की महिला नेता की दरिंदगी, घर पर काम करने वाली आदिवासी महिला को कैद कर पेशाब पिलाई, फिर गर्म तवे से जला दिया। महिला की तबीयत इतनी खराब है कि ना तो बोल पा रही है ना ही चल पा रही है। महिला को रिम्स में भर्ती करवाया गया। दोस्तों एक खबर जो दोस्तों पुनीत कुमार सिंह ने जो ट्वीट किया है, एक खबर झारखंड की खबर है, लेकिन दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों को, हम सब लोगों को, ये जहां पर बीजेपी की सरकार है ये लोग हफ्सी बने हुए हैं, इनके सरकार में पुलिस वाले ही रेप कर रहे हैं, और जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है दोस्तों वहां पर बीजेपी नेता ही हैवान दरिंदा बना हुआ है, वहां पर महिलाओं की इज्जत लूट रहा है, महिलाओं को पेशाब पिलाया जा रहा है, महिलाओं को गर्म तवे से जलाया जा रहा है। बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा यही है। ये लोग पूरी तरीके से अपने गुंडे पर आमादा है। ये लोग जानते हैं केंद्र में इनकी सरकार है, केंद्र में सरकार होने की वजह से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बकायदा प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी आपने दोस्तों देखा था कल एक खबर, कल खबर सामने आई फिरोजाबाद से। दरअसल मथुरा रेलवे स्टेशन से एक बच्चा चोरी हो गया, 7 महीने का बच्चा था, 24 तारीख को यानी 24 अगस्त को बच्चा चोरी हुआ था। दिनेश नाम का कोई डॉक्टर था, वो बच्चा चोरी करके लोगों को बच्चा मुहैया करवाता था, लेकिन बच्चे की बरामदगी कहां से की गई दोस्तों? बच्चे को बरामद किया गया बकायदा एक बीजेपी की पार्षद के घर से। उस पार्षद का नाम है विनीता अग्रवाल। सोचिए, बच्चा मथुरा रेलवे जंक्शन से चोरी होता है और बच्चा बरामद किया जाता है बीजेपी नेता के घर से, जो मौजूदा समय में पार्षद है। सोच लीजिए बीजेपी वालों की मानसिकता क्या है। और वो कहती है, साहब हमने तो बच्चे को खरीदा था 1,80,000 रुपए में, लेकिन मोहतरमा के पास, पार्षदा के पास, मैडम के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्होंने 1,80,000 रुपए में बच्चों को खरीदा था। दोस्तों इस तरह की तमाम खबरें ऐसी आ रही हैं। देखिए वही प्रवीण मोहता है, इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा है, बीती 30 जुलाई को सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना था अनूप मौर्य, बकायदा उसमें आपको दिख जाएंगे आईपीएस है, महिला आईपीएस ये लोग हैं, और इसके अलावा तमाम अधिकारी हैं जो स्टार को बढ़ा रहे हैं। पहले साहब सब इंस्पेक्टर थे, अब सब जो तमगा था आगे से हटा दिया गया, साहब अब फुल इंस्पेक्टर बन चुके हैं। कुछ दिनों में साहब सच्चो बनते हैं, इसके बाद ना जाने क्या क्या करते हैं। पुलिस कह रही है मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं। दोस्तों मामले की जांच होने के बाद ये पता चल पाएगा अब तक इन्होंने कितनी महिलाओं के साथ इस तरीके से रेप की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से कटघरे में है, खतरे में है। बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं गुंडे जो हैं वो सब जेल में बंद हैं। तो ये कौन से लोग हैं योगी आदित्यनाथ जी? आपके पास जवाब है? पूरी बीजेपी के पास जवाब है? बिल्कुल कोई जवाब नहीं देगा। इसीलिए जवाब नहीं देगा क्योंकि हर एक वक्त बीजेपी के तमाम नेता ऐसे हैं जो अलग अलग कामों में लिप्त हैं, जो गलत हैं, जो समाज और देश दोनों के लिए गलत है, लेकिन ये लोग उस काम को कर रहे हैं। कोई बजरंग दल जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी जुड़ा हुआ है, कोई आरएसएस जुड़ा हुआ है, कोई एबीवीपी जुड़ा हुआ है, कोई अन्य किसी संगठन जुड़ा हुआ है जिसका सीधा ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी से है, और ये लोग गुंडई पर आमादा है। सोचिए दोस्तों, कोई महिला थाने कैसे जाएगी? अगर किसी बहन बेटी के साथ दुराचार होगा, रेप होगा, गैंग रेप होगा, आप कहां जाएंगे? आप थाने जाएंगे ना साहब? आप वहां पर गुहार लगाने के लिए जाएंगे? थाने में साहब
और बड़े बड़े रेपिस्ट बैठे हुए हैं, दरिंदे बैठे हुए हैं, जो मौका पाते ही रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देते हैं। ये उत्तर प्रदेश की असली तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ को जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं आएगा। इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि बीजेपी की सरकार है। दोस्तों, पूरे वीडियो पर आप लोगों क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो भगवान भरोसे है। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, बल्कि जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो साफ इसकी वानगी बयां कर रही हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।